उनके पीछे वो उनका आशीर्वाद खड़ा है, उनका पुरुषार्थ खड़ा है, सही है कि नहीं? सही है ना? तो ऐसे माता पिता जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, उसके लिए हम आदर करते हैं, उनका पूजन करते हैं। जो जो बच्चे करते हैं उसके जीवन में चार चीज की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, चार चीज की उसके जीवन में वृद्धि होती है जो बच्चे अपने माता पिता और गुरु का आदर करते हैं। तो जैसे हम एक दिन टीचर्स डे का मनाते हैं तो सच्चे और पहले ग्रेड के अधिकारी हमारे पेरेंट्स हैं, am I right? तो 14 फरवरी को हम पिछले 18 साल से नो मॉर्निंग इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड 14 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? पेरेंट्स वर्शिप डे, मातृ पितृ पूजन दिवस। ये मातृ पितृ जो शब्द है ना वो संस्कृत का शब्द है, ठीक है? तो मातृ पितृ मतलब माता पिता का पूजन दिवस बनता है कि नहीं बनता है? और ऐसा नहीं फिर एक दिन पूजा किया फिर बाकी के 364 डेज माता का सुनना ही नहीं, माता पेरेंट्स का सुनना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? रोज उनके पैर छू के ही स्कूल में आ जाते हैं और ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट दे सेज, मस्ट लिसन एंड मस्ट फॉलो। वो जो कुछ भी करेंगे आपकी भलाई के लिए ही करेंगे, इतना तो दिमाग में बिठा ही दो कि हमारे पेरेंट्स हमारी भलाई के सिवाय कुछ सोच ही नहीं सकते। पूजन करना चाहता हूँ, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ओम स्वस्ति नो इंद्रो ब्रह्मशवाः, स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारिषो अरिषणेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। निजी संस्कृति अपनाओ, पूर्वज के संकेत पे चलते जीवन सफल। Thank you.
सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओ जय जय माता तू कितनी